Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello, बच्चों. Welcome back. आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्लास 10 साइंस की वर्कशीट नंबर 30 है, जो 11 सितंबर 2020 को आपके पास आई है. ये जो हमारी वर्कशीट है वो लाइव प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 पे आधारित है. कंटेंट जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. सबसे पहले एक्सक्रीशन है क्या? व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. मतलब शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. हम देखा कि जो एक्सक्रीशन है, हमने देखा कि ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन के लिए. जैसे अमीबा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा वेस्ट को बाहर निकालता है. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्किन के द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं. हमने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोश के जीव हैं, उनमें डिफ्यूजन द्वारा जो सराउंडिंग में जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है. जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मेंट फॉर दिस, कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. हर एक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा. तो आज की हम वीडियो में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे. हमने देखा कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, अगर आपके सामने डायग्राम देख रहे हैं आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं देयर आर पेयर ऑफ किडनीज. तो हमने देखा कि जो मेन ऑर्गन है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो क्या है? पेयर ऑफ किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी. अगर आप अपने कमर के नीचे आप देखेंगे तो दो आपको होल्स नजर आएंगे, होल्स मतलब ग्रूव्स नजर आएंगे. वो जो ग्रूव्स हैं वहां पे लगभग रीढ़ की हड्डी के साथ, बैकबोन के साथ लगी हुई लेफ्ट और राइट किडनी प्रेजेंट होती है. अब हमने देखा जो किडनी है उससे एक दो ट्यूब्स, राइट किडनी से राइट ट्यूब और लेफ्ट किडनी से लेफ्ट ट्यूब निकल रही है, जो यूरिन को, एक्चुअली किडनी में हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम आगे में देखेंगे. जो यूरिन बन रहा है किडनीज में वो यूरेटर द्वारा कहां कलेक्ट किया जाता है? एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. मतलब जो किडनी द्वारा बना हुआ यूरिन है वो यूरेटर द्वारा कलेक्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है. अब जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन से, तो अंडर द कमांड ऑफ ब्रेन एक प्रोसेस होता है मिक्चुरेशन. वर्ड हम देखेंगे क्या है? मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन मतलब इट इज द एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन. मतलब यूरिन को, पेशाब को त्याग करने का जो इच्छा है उसको हम मिक्चुरेशन कहते हैं. अब मिक्चुरेशन जब हमें फील होगा तो हम क्या करेंगे? यूरेथ्रा द्वारा यूरिनरी ओपनिंग से होता है यूरिन आगे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. तो अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन इज कलेक्टेड टेम्परेरली, यूरेथ्रा एंड द यूरिनरी ओपनिंग एंड इट इज डिस्चार्ज थ्रू यूरिनरी ओपनिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी की. किडनी फंक्शन क्या करता है? हमने देखा यहां पे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन किडनी के आ जाते हैं. पहला आ गया ऑस्मोरेगुलेशन. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? इट इज टू मेंटेन द करेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयन्स इन द बॉडी. मतलब शरीर में जल की और लवणों की, आयनों की एक नियमित मात्रा बनाए रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है. मतलब इट इज टू मेंटेन करेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन.
दूसरा हमने देखा फंक्शन ऑफ किडनी में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। हमने देखा यूरिन में ज्यादातर क्या होते हैं, अमोनियम कंपाउंड होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे कंपाउंड होते हैं, मतलब दीज आर नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड। तो यूरिन हमने देखा किडनी का एक महत्वपूर्ण फंक्शन ये भी है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमने देखा ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। हमने देखा जैसे हमारा शरीर जो है वो सेल का बना हुआ है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं किडनी के सबसे छोटी इकाई या यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मीन्स ईच किडनी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स। ये नेफ्रॉन क्या, एक तरह की फिल्टरिंग यूनिट्स कहा गया, और हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। आप अगर वर्कशीट में देखेंगे तो आपको एक सांप जैसी आकृति नजर आएगी, वो आकृति मैंने आपको यहां डायग्रामली बताई भी हुई है, समझाऊंगा भी क्या है ये। एक्चुअली अ सिंगल नेफ्रॉन, इट इज अ फिल्टरिंग यूनिट। अब हमने देखा कि जो एक नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं, जो उसका सिरा, आगे वाला जो सिरा है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर है, एक क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हमने नाम दिया वुमेन्स कैप्सूल। जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉल्ड एज वुमेन्स कैप्सूल। उस वुमेन्स कैप्सूल से हम देख रहे हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आपकी लंबी क्वाइल, हाईली क्वाइल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनेट कर रही है, जिसको हम बात करते हैं, कहते हैं ट्यूबलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या हेलेस लूप। हेलेस लूप भी कहिए, कई डायग्राम में कहा गया है, और कई सिंपली इनको ट्यूबलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी कह देते हैं। ये ट्यूबलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये ट्यूबलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हमने देखा एक बड़ी सी आपके चैनल में खुलती है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। हम देख रहे हैं यहां पे आपको पॉइंट छोड़ रखे हैं, मतलब इस कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन आके जुड़े हुए होते हैं, और यहां से वो यूरिन कलेक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट कहां खुलेगी, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एंड फाइनली फ्रॉम द यूरिनरी ओपनिंग द यूरिन इज डिस्चार्ज आउटसाइड द बॉडी। तो आइए हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ डज यूरिन इज फॉर्म, फॉर्मेशन होता क्या है। हमने देखा जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो प्रेजेंट कहां है, ब्लड। हमने देखा फिल्टरिंग कहां से होनी है, किसका फिल्ट्रेशन होना है, एवरीथिंग इज बीन ब्लड कंटेन्स एवरी हार्मफुल एंड यूजफुल सब्सटेंसेस। तो ब्लड पूरी बॉडी में वो चीजों को क्या कर रहा है, चाहे वो हमारे लिए हानिकारक है चाहे वो हमारे लिए लाभदायक चीजों को क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो अब हमने देखा जो वुमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर, वुमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर एक कैपिलरीज, फाइन कैपिलरीज, आर्टरियोल्स का एक गुच्छा बना हुआ है। हम देख रहे हैं यहां रेड कलर का गुच्छा बना हुआ है, इसको हमने नाम दिया है ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया है, ग्लोमेरुलस। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस जो है, जो कैपिलरीज या आर्टरियोल्स का जो गुच्छा है वो बना कैसे है, हमने देखा यहां पे दिया हुआ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, एक ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो है, रीनल वर्ड हमने देखा जो भी वर्ड किडनी से जुड़ा हुआ है हम उसके लिए हम रीनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टरी है, आर्टरी है तो रीनल आर्टरी मतलब द आर्टरी विच इज रिलेटेड विद द किडनी। तो रीनल ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो है वो जाके जो वुमेन कैप्सूल में जाके क्या कर रही है, आर्टरियोस या कैपिलरीज का गुच्छा बना रही है, जिसे हम वुमेन कैप्सूल कहते हैं। अब होता क्या है कि जो एक्सचेंज होना है वो आपके ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल की वॉल में होना है। अब हमने देखा, सपोज हमने देखा ये हमारा क्या हो गया, वुमेन कैप्सूल की वॉल हो गई और अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है। अब जो सरफेस कॉन्टेक्ट है, मतलब जो वुमेन कैप्सूल की सरफेस और ग्लोमेरुलस की सरफेस आपस में चिपकी हुई है, तो मटेरियल का एक्सचेंज, जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होना है वो ग्लोमेरुलस से, मतलब ब्लड में से निकल के कहां चला गया, आपका वुमेन कैप्सूल की सरफेस पे अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक्सचेंज जो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हम इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड द वुमेन्स कैप्सूल।
अब ये जब एब्जॉर्ब हो गया, इसमें एब्जॉर्ब क्या होगा, अब हमने देखा कि यहां पे वुमेन्स कैप्सूल के सरफेस को ये नहीं पता क्या चीज एब्जॉर्ब करनी है क्या नहीं करनी है, तो वो वाटर भी कर रहा है, वो ग्लूकोज भी कर रहा है, अमीनो एसिड्स भी कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी कर रहा है, तो सब चीजों को क्या किया उसने सिलेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया डिफ्यूजन के द्वारा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, चीज क्या हो गई। अब जब ये जो कंटेंट है, जो एब्जॉर्ब किया हुआ कंटेंट है, ये आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एफ्रॉन। अब इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, लंबा ट्यूबुलर पार्ट इतनी लंबी क्यों होती है उसका भी एक पर्पज है। अब जब ये मटेरियल ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में मूव कर रहा है, तो हम देखेंगे इसके चारों तरफ जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है इसके पीछे आर्टरीज भी है और वेन्स भी है। अब जब आर्टरीज इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से चीजें निकल रही है, तो यहां पे एक प्रोसेस होता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्या है, हमने देखा कि अब जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है उसकी सरफेस को नहीं पता क्या अब्सॉर्ब करना है क्या, उसने तो सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। अब यहां पे क्या हुआ, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, शरीर में जिस चीज की कमी हो रही है, जैसे ग्लूकोज की अगर कमी है तो वहां पे चीजें क्या कर ली जाएंगी, दोबारा रीअब्सॉर्ब कर ली जाएंगी। वाटर की लेवल, पानी की कमी है शरीर में तो वहां पानी क्या, हमने देखा गर्मियों में हम पानी कम पीते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, फिर भी हम यूरिनेशन बहुत कम करते हैं। सर्दियों में अपेक्षाकृत क्या होता है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं लेकिन हम बार बार यूरिनेट करते हैं, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है। एक्चुअली हमने देखा गर्मियों के दिनों में हमारा जो फ्लूइड कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, पसीने से बहुत पानी निकल जाता है, शरीर का जो डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है, तो उस समय यहां पे वाटर का क्या हो जाता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है और हम कंसंट्रेटेड यूरिन और कम यूरिन का त्याग करते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य हमने ये देखा। अब हमने देखा कि जो मटेरियल है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो गया, अब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल है वो यूरिन बन गया, मतलब यूरिन कंटेंस मेनली, यूरिन में है क्या, यूरिन में यूरिया है, यूरिक एसिड्स है और येलो पिगमेंटेशन है, जो आप यूरिन का येलो कलर नजर आ रहा है उसमें स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो उसको कलर प्रोवाइड करते, तो ये छन के यूरिन बन गया। अब ये यूरिन कहां आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में, इस कलेक्टिंग डक्ट से अब पहुंचा यूरिन कहां, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग, फाइनली हमारी यहां हो गई। तो हमने यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा और उसका फंक्शन भी देखा कि कैसे ये नेफ्रॉन फंक्शन कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है उसमें एक वर्ड आता है फिल्ट्रेशन की जगह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने अल्ट्रा शब्द क्यों इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हमने देखा कि यहां पे बारीक से बारीक चीज, जो मिनिमम चीजें भी हैं वो भी क्या कर देती है, फिल्टर आउट हो जाती है। तो किडनी का एक हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अकर्स इन ग्लोमेरुलस, कहां हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम, अकर्स इन ग्लोमेरुलस। अब हमने देखा दूसरा, ब्लड पासेस थ्रू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो मटेरियल है वो जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पे एक काम हो रहा है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ये सब चीजें आपकी वर्कशीट में दी गई है, आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेंगी। तो वहां पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। वॉटर एंड यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, आयंस, अमीनो एसिड आर बीइंग रीअब्सॉर्ब, कहां रीअब्सॉर्ब हो रही है, इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जिसको हमने हेनले लूप का नाम दिया। दस तीसरा, यूरिन दस कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड एंड पिगमेंट्स। और ये यूरिन में क्या है जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसमें यूरिया है, यूरिक एसिड और पिगमेंट्स की हमने बाहर की। तो हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया अभी तक, हमने एक्सक्रीशन क्या है, दूसरा हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपके एग्जाम में लगभग आता है तो उसको प्लीज आप देखिएगा। यहाँ पे हमने रीनल वेन और रीनल आर्टरी भी दिखाई है जो आपकी किडनी में एंटर कर रही है। रीनल आर्टरी क्या करेगी, वो एंटर करेगी, ब्लड को अंदर लेके जाएगी और दोबारा जो छना हुआ ब्लड है वो रीनल वेन द्वारा क्या जो है वापस हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। वेना कावा क्या करते हैं, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था कि जो वेन्स होते हैं दे कैरीज ब्लड टू द हार्ट। तो यूरिन से छना हुआ ब्लड, यूरिन जो अलग जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो निकल गए ब्लड से, और वो ब्लड अब कहां लिया जाएगा, रीनल वेन द्वारा फाइनली कहां ले जाएगा, हार्ट में, फिर हार्ट से होता हुआ डिफरेंट पार्ट से होता हुआ फिर रीनल आर्टरी द्वारा ये किडनी में आता है साफ होने के लिए। तो किडनी हमारा क्या है, खून को साफ करने का एक ऑर्गन हो गया, एक मशीनरी हो गई, यहां पे ब्लड को नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल से मुक्त किया जाता है। तो आज के लिए हम देखते हैं इतना ही है। अब एक बार हम क्या करते हैं, वर्कशीट के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्कशीट में क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, अगर आप जाएंगे हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन, तो इसमें एक सिंपल वन वर्ड आंसर हो गया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हाउ आर द
एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ने देखा कि जो एक कोशिकीय जीव है बहुकोशिकीय जीवों से, उसमें हमने देखा एक कोशिकीय जीव में हमने देखा डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस द्वारा एक्सचेंज हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज अ वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। चौथा द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन यूरिन फॉर्मेशन। वेयर डज दिस स्टेप अकर्स, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो कहां है, इन द वुमेन्स कैप्सूल। जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहां हो रहा है, बिटवीन द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लोमेरुलस एंड द वुमेन्स कैप्सूल। लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, आपके उसमें वर्कशीट में दिया हुआ है डायग्राम, तो आप इसको डायग्राम को आसानी से वहां देख के ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लिए बस बेटा इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।